हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल, दिस इज रोशन शर्मा। चलिए माय डियर स्टूडेंट्स, आज आपने एसए वन मैथमेटिक्स एग्जाम लिख चुके हैं और इसका पार्ट भी रिव्यू कर देता हूं, उसके बाद पार्ट ए भी करूंगा मैं। अभी के लिए 20 मार्क्स के लिए आप पार्ट बी कितने हद तक आपने करेक्ट लिखे हैं अपने आंसर्स एक बार चेक कर लीजिए ताकि आपका डाउट क्लियर हो जाए। और चलिए हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, मोड ऑफ द डाटा 5, 9, 8, 5, 6, 8, 9, 6, 4 और 8 का, इसका मोड 8 होगा क्योंकि ज़्यादा टाइम रिपीट ए हो रहा है, यहाँ पे लिखेंगे सी। विच ऑफ द फॉलोइंग सेट आर एंगल फॉर्म द आइसोसेलेस राइट ट्रायंगल, यहाँ पे आइसोसेलेस राइट ट्रायंगल ए होगा, यहाँ पर ये ए। लोअर बाउंड्री, लोअर बाउंड्री मीडियन में यूज़ किया जाता है, यहाँ पर ए लोअर बाउंड्री और अपर बाउंड्री दोनों भी वहाँ पर यूज़ किए जाते हैं। मीडियन ऑफ द फर्स्ट 8 इवन नंबर, 8 इवन नंबर्स का अगर आप मीडियन चेक करेंगे तो 9 आएगा, इसका आंसर होगा डी। 6 देखिए, ए लैडर मेक्स एन एंगल 60 डिग्रीज विद द ग्राउंड व्हेन द प्लेस अगेंस्ट वॉल, इफ द फुट ऑफ द लैडर 3 मीटर्स अवे फ्रॉम द वॉल देन द लेंथ ऑफ द लैडर इन मीटर्स, इसके मीटर्स क्या होगा, 6 मीटर्स होगा, ये आपको ए लिख देना है यहां से। इसका रोस्टर फॉर्म क्या होगा, एक्स लेस देन और 5 का, इसका रोस्टर फॉर्म होगा डी 1, 2, 3, 4, यहां पर आप लिख सकते हैं डी। 7 द लॉगरिथम 7 इज इक्वल टू 3 पावर ऑफ x, इसका लॉगरिथम फॉर्म क्या होगा, ये होगा डी। विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रू, इसके अंदर से कौन सा ट्रू है, ये ट्रू है cos थीटा इज इक्वल टू sin थीटा, ये आपका बी। सम ऑफ द जीरो ऑफ द, इसका सम ऑफ द माइनस बी बाई ए माइनस 9/4 होगा, इसका आंसर माइनस 9/4 माइनस बी बाई ए, माइनस बी माइनस 9/a, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, ये 4 मतलब 9/4, तो सी। ए ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर ट्राइंगल पी क्यू आर, ए बी इक्वल 3.6, पी क्यू आर इज इक्वल 2.4, पी आर इज इक्वल टू, ये क्या होगा, तो इसका आंसर होगा यहाँ पर ए 8.1। इस देखिए, इफ 1, 0 ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल x² + 3x + k इज देन, द k की वैल्यू क्या होगी, इसके अंदर k की वैल्यू होगी -10 इज सी। इफ ए एंड बी आर डिसजॉइंटेड देन नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी इज इक्वल टू, दोनों डिसजॉइंट रहेंगे तो क्या होगा, ए यूनियन बी होगा, यहां पर लिखेंगे ए। द नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स 36 या प्राइम फैक्टर्स क्या होंगे, 2, यहाँ पे सी। ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हूज सम ऑफ द जीरो एंड वन एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरो -12, तो इसका आंसर होगा डी, यहाँ पर आपको डी लिखना है। इफ सिस्टम ऑफ इक्वेशन 4x + ky इज इक्वल 10, 2x + 3y इज इक्वल 5 हैज इन्फिनेटली मेन द सोल्यूशन के, तो के ये b1 होगा और ये b2 होगा, b1/b2 इज इक्वल टू 10/5 होगा, b1/b2 k/3 इज इक्वल टू 10/5, 5 1 5 2 3 2 6 6, यहाँ पर ए होगा ए। विच ऑफ द फॉलोइंग पाइथागोरस ट्रिपल, यहाँ पे ट्रिपलेट पाइथागोरस ट्रिपलेट, इसके अंदर कौन सा होगा बोले तो ए वाला, यहाँ पर आपको ए लिखना है। द वैल्यू ऑफ, इसकी वैल्यू अगर आप सब्स्टिट्यूट करेंगे तो बी आएगा 8, यहाँ पर 2। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स आर इक्वेशन पैरेलल, इसके अंदर से कौन सा इक्वेशन पैरेलल है आपको पहचानना है, तो ए वाला रहेगा ए। द कार्डिनियल नंबर ऑफ द नल सेट, कार्डिनियल नंबर ऑफ नल सेट कितने, कुछ क्या रहेंगे, 0 रहेंगे, इसके अंदर डी। इसकी वैल्यू फाइंड आउट करना है आपको, 2, 3, 43 का अगर एलसीएम आप निकालेंगे तो 7 4 7 9 7 7 7 1 इस तरह आएगा, लॉगरिथम 7 7 3 पावर ऑफ 3 इस तरह आ जाएगा और इसका आंसर आएगा 7 पावर ऑफ 3, ये 1 हो जाएगा, 3 आ जाएगा, इसका आंसर 3। इस तरह आप कर सकते हैं। ऑल द बेस्ट माय डियर स्टूडेंट।